1971 की जंग के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान में मल्टीपल इंगेजमेंट्स देखने को दोबारा मिली। 65 की वॉर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी अच्छी एयर सुपीरियॉरिटी और किल रेशो अचीव कर चुकी थी। कुछ इसी तरह की चीज़ हमें 71 की वॉर के अंदर रिपीट होती हुई नज़र आई, जहाँ पर एयर फोर्सेस के दरमियान इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 F-86 स्क्वाड्रंस डिप्लॉयड थे और उनको इंगेज करने के लिए काफ़ी बड़ी इंडियन एयरफोर्स की एक फोर्स अवेलेबल हुई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 तैयारे, जो कि 65 की वॉर के अंदर काफ़ी वेल नोन थे, उनका मुकाबला MiG-21s के साथ था, जो कि ज़्यादा सुपीरियर जहाज़ थे, ज़्यादा फास्ट जहाज़ थे और सुपरसोनिक थे और एटलीस्ट एक जनरेशन अप थे। ऐसी ही हमें एक एंगेजमेंट देखने को दिसंबर के एंड के अंदर नज़र आई, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 तैयारे ने इंडियन MiG-21 को इंगेज किया और इसने अपने साइड वाइंडर्स के साथ उसको शूट डाउन करने की कोशिश की। अर्ली रिपोर्ट्स या जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें क्लेम किया जाता है कि ये एक मिसाइल केल थी। बीइंग अर्ली वर्जन साइड वाइंडर्स के बहुत बेहतर तरीके से वो ट्रैक आउट नहीं कर सके थे इंडियन MiG-21 को, तो कुछ रिपोर्ट्स, कुछ व्यूज़, कुछ लोगों के लिहाज से ये फिर एक गन किल के अंदर कन्वर्ट हुआ, जहां पर F-86 ने डाइव डाउन किया था ऑन द MiG-21 और उसको इंगेज किया। कुछ फोरम्स के ऊपर, कुछ ब्लॉग्स के ऊपर हमें इसकी इमेजेस भी मिलती हैं, जो कि गन कैमरा इटसेल्फ की हैं और उसी को हम लोगों ने रिक्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की है। जैसा कि आप देख सकते हैं F-86 सेबर्स तो यहाँ पर इंगेज कर रहे हैं इंडियन MiG-21 को गन्स के साथ, और पहला ब्रस्ट फायर हो चुका था, MiG-21 लो है, डाइव डाउन किया जा रहा है और सून यहाँ पे हमें किल होती हुई नज़र आएगी।